विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मशीन ड्राइंग बी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल बेस्ड ऑन CSVTU भिलाई सिलेबस। यूनिट 4 असेंबली ड्राइंग। प्रिपरेशन ऑफ असेंबली ड्राइंग एंड बिल ऑफ मटेरियल ऑफ फॉलोइंग असेंबलीज फ्रॉम इट्स डिसअसेंबल्ड व्यू। क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, स्पिगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट, पिन जॉइंट और नकल जॉइंट। बेयरिंग में बूस्ट बेयरिंग, प्लम्बर ब्लॉक, कपलिंग एंड फ्लैंज जॉइंट, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फास्ट एंड लूज पुल्ली, स्टीम स्टॉप वॉल, ब्लो ऑफ कॉक एंड लीवर सेफ्टी वॉल। अब हम रॉड जॉइंट के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा ट्रैक्टर एंड ट्रॉली के जॉइंट इजीली हमको ज्वाइन कर लेते हैं और रिमूव करते हैं। इन जॉइंट को हम एक क्वार्टर के द्वारा दो राउंड वाले होल में मैच करा के और जो एक फॉर्क एंड होता है और दूसरा आई एंड है, दोनों को एक क्वार्टर से जोड़ देते हैं और इजीली रिमूव करते हैं। इसे हम रॉड जॉइंट कहते हैं। क्वार्टर इज ए फ्लैट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विद शेप्ड पीस आर बार ऑफ माइल्ड स्टील ब्लॉक विच इज यूनिफॉर्म इन थिकनेस बट टेपर इन विथ वन साइड इन जनरल। इट इज यूज टू कनेक्ट रिजिडली टू रॉड्स दोज एक्सेस आर कोलिनियर एंड विच ट्रांसमिट मोशन इन द एक्सियल डायरेक्शन टेंसाइल आर कंप्रेसिव फोर्सेस विदाउट रोटेशन। द क्वार्टर इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट विच आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। क्वार्टर प्रोवाइडेड रिजिड जॉइंट सपोर्ट। यूज ऑफ क्वार्टर जॉइंट टू कनेक्ट ए रॉड डायरेक्टली विथ ए मशीन सो एज द ट्रांसमिट ए फोर्स टू द मशीन थ्रू द रॉड और वाइस वर्सा। When it is the desire to increase the length of the rod, to connect two rod rigidly in the direction of their length. Use of the taper in quarter rod. The taper in the quarter is provided to take the advantage of the wedging action, friction locking. The taper also keeps the joint alive even after some wear in the joint has taken place as the gap generated due to the wear automatically filled up by the self travel of the quarter. This travel is assisted due to the taper given in the quarter. अब हम sleeve and quarter joint के बारे में बात करेंगे। Sleeve and quarter joint is used to connect two round rod or sometimes to connect two pieces to pipes and tubes. The rod are forced and increased in diameter to some length just to the compensate for the loss of the material for making rectangular hole accommodate the rectangular taper quarter in the each rod. The end of both rod are the chamfer to the avoid burring and easy intersection in the hollow steel sleeve socket cylinder mouth. Both the rod of the same dimension, a hollow sleeve is passed over the both of the rod and has two rectangular hole for the intersection of the quarter at the right angle to the axis of the rod. The quarter are automatically adjusted due to the extra margin even for the clearance in the rod and the sleeve. The relative position of slot is such that the driving in the quarter tend to force the rods toward each other in socket or hollow sleeve. When sleeve and rod are subjected to axial tensile force, then the quarter is subjected to shearing force. These joints are useful for light transmission of axial loads. अब हम एक प्रॉब्लम लेकर उसका असेंबली करते हैं। क्वेश्चन, फिगर गिवन बिलो शो द पार्ट
of the sleeve and quarter joint, assemble the part correctly and then draw the following view to scale 1:1. Front view, upper half in section B, side view, viewing from the left. Print title and scale view, draw the projection symbol, give it important dimensions. देखिए हमने जो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट बारे में बात किया, यह रॉड ए है, यह शाफ्ट ए है, शाफ्ट बी है और यह स्लीव है जिसके अंदर इस होल में यहाँ तक शाफ्ट ए आएगा और इस होल में शाफ्ट बी आएगा और यह क्वार्टर जॉइंट जो टू ऑफ है दो है, ये एक इसमें और इसमें इंसर्ट होगा। यहाँ बता देने योग्य बात यह है कि जो टेपर रहता है, वन साइड टेपर रहता है, जैसे देखिए ये साइड टेपर है, तो जब हम यहाँ असेंबल करेंगे तो ये इन साइड इस साइड टेपर और इस साइड हम क्वार्टर का टेपर लेंगे। इसमें बिल ऑफ मटेरियल के रूप में दो क्वार्टर का पीस, दो रॉड, रॉड ए एंड रॉड बी और एक स्लीव होता है। अब उस डिस असेंबल स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का हमने एक फोटो बनाया, इससे हम देखकर असेंबली कैसे करेंगे अब यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिफरेंस लाइन एक्स वाई ले लिया, इस पर हम इस स्लीव को, ये स्लीव है एज इट इज, हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। हमें अपर हाफ सेक्शनिंग करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, सेक्शनिंग का उसका ध्यान रखते हुए हमको ड्रॉ करना है। अब देखिए ये रॉड इधर से हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, सेम ये वाला रॉड, रॉड ए इस साइड हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो हमने बनाया ये आर्क टाइप का, ये देखिए ये पार्ट और या ये वाला पार्ट, ये हम इसको शाफ्ट का ब्रेकिंग यानी राउंड जो शाफ्ट है, राउंड शाफ्ट है इसका ब्रेकिंग, माने इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है कि कितना लंबा है, तो इसीलिए इसको हम ब्रेकिंग शो करते हैं, इस तरह से करते हैं। अभी देखिए हम क्वार्टर का पोजीशन, यहां बता दूं कि ये इनसाइड ये वाला साइड ही टेपर रहता है कभी भी। ये देखिए इस क्वार्टर में भी ये जिस साइड का हिस्सा टेपर रहेगा, या इसको सामान्य भाषा में जब हम बात करते हैं या याद करने के लिए भागों में, तो रॉड इस तरफ से खिंचा रहा और रॉड इस तरफ से खिंचा रहा है, यानी यह साइड हमेशा स्ट्रेट रहेगा और इसके अपोजिट ये वाला साइड और ये वाला साइड टेपर रहेगा। अपर हाफ सेक्शनिंग है तो हमने ये अपर हाफ सेक्शन, और ये देखिए ब्रेकिंग हमने शो किया, ब्रेकिंग मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक हैचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हैचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बचने का तरीका यह है कि हम इसको पार्ट सेक्शनिंग करें या इसको ब्रेक कर दें। अब इसका देखिए साइड व्यू, व्यूइंग फ्रॉम हियर, तो सबसे पहले हमको साफ दिखेगा, फिर ये स्लीव का दिखेगा, उसके अंदर का ये होल दिखेगा और ये देखिए ये हमने जो सेक्शनिंग कर दी है साफ का, यानी ये ब्रेकिंग है, इसीलिए अगर ये फिनिश्ड रहता या यहाँ स्ट्रेट लाइन रहती तो ये हमारा सेक्शनिंग नहीं आता, बट यह ब्रेकिंग है इसलिए यहाँ पर ये इस साफ का, ये देखिए इस डायमीटर 25 का ये सेक्शनिंग है, इसमें क्वार्टर इंसर्ट है। जब यहाँ से हम देखेंगे तो क्वार्टर का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमें नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ से यहाँ डैश डैश किया। यह देखिए कटिंग प्लेन है, ये यह हिस्सा कटिंग प्लेन है, ये इस तरह से करते हैं कि एंड में डार्क रहता है और यहाँ बीच में इसका डैश रहता है और यहाँ पर यल डार्क रहता है, सो दैट यह जो कटिंग प्लेन शो कर रहा है कि यह अपर हाफ सेक्शनिंग है। इस तरह से स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का यह स्केल 1:1 है, यह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है और ऑल फिलेट्स जहाँ पर देखिए फिलेट्स जो भी अगर डायमेंशन अगर नहीं दिया है यहाँ पर ये यहाँ पर, तो उसके लिए रेडियस 4 लेकर के हम करेंगे। या फ्रंट व्यू अपर हाफ सेक्शन इन ए है और यह इसका साइड व्यू है। सॉकेट एंड स्पिगार्ड क्वार्टर जॉइंट इज कनेक्टेड टू रॉड इन सच ए वे दैट इट कैन ट्रांसफर एक्सियल कंप्रेसर अ टेंसाइल लोड।
In this case, one end of the first truss is enlarged in diameter to some length just to compensate the loss of material due to the rectangular hole made in the accommodate quarter. A quarter is provided at the end of the enlarged end of the spigot. The one end of the second rod is formed into a socket or a box having an appropriate inner diameter to fit the spigot along with a collar. For a very simple construction, socket can be considered as a hollow pipe having one side solid and the other hollow. While the spigot is a solid rod, and solid spigot is nearly of the size of an internal radii of the socket where it can fit. Once they are fit, consider that the rectangular cavity of the tapering construction through both of part, spigot and socket. This cavity or slot is kept slightly out the alignment so that driving in of the quarter tend to pull the slot in a line, thus making the joint perfectly tight and rigid. A clearance of 2 to 3 mm is made this joint for the proper functioning of the quarter. देखिए रॉड बी है, ये रॉड ए है. रॉड ए जो है इस सॉकेट के साथ जुड़ा रहता है या इसी का पार्ट रहता है, और स्पिगॉट ये वाला रॉड स्पिगॉट का पार्ट रहता है. यानी ध्यान से देखिए तो ये यहाँ से लगा, ये वाला आपका हिस्सा इस सॉकेट का है, ये स्पिगॉट का है, इस क्वार्टर से जुड़ा रहता है. इसके अंदर क्लियरेंस है 3 mm, जो 2 to 3 mm रहता है वो ये इधर और इधर. अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे. क्वेश्चन, द फिगर शोज द डिटेल ऑफ द सॉकेट एंड स्पीकर क्वार्टर जॉइंट फॉर द राउंड रॉड असेंबल द डिटेल एंड ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू ऑफ इन स्केल 1:1. टॉप हाफ सेक्शनल एलिवेशन, साइड व्यू लुकिंग फ्रॉम द सॉकेट एंड साइड, राइट हेडिंग एंड स्केल व्यू. ड्रॉ द प्रोजेक्शन सिंबल, गिव द 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन. ये सॉकेट एंड है, स्पिगॉट है, इसका साइड व्यू है और इसका साइड व्यू है और एक क्वार्टर है. इस सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट का हमने जो फोटो है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. इसके माध्यम से ही हम इसको सपोर्ट से हम इसको ड्रॉ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हजेंड रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह सॉकेट को ड्रॉ करते हैं. देखिए जो सॉकेट दिया हुआ एज इट इज, इस सॉकेट को हम यहाँ ड्रॉ कर डालेंगे. यहाँ एक ध्यान योग्य बात है कि इसका अपर हाफ सेक्शनिंग है, यानी ऊपर का जो ड्राइंग बनाते जाएंगे उसमें मिटाना न पड़े, इसीलिए हम इसको केयर करेंगे कि अपर हाफ सेक्शनिंग क्या क्या दिखेगा क्या नहीं कटेगा. और यस स्पिगॉट, ये देखिए हमने किया, ये स्पिगॉट का यह रॉड ये बना, इसमें यह क्वार्टर को इंसर्ट किए. यहां बता दें कि ये रॉड इस तरह से खिंचाया गया है सो दैट ये वाला पार्ट हमारा टेपर रहेगा और ये वाला स्ट्रेट रहेगा. ये अपर हाफ सेक्शनिंग है, साइड व्यू फ्रॉम सॉकेट एंड हम देख रहे हैं, इस एंड से देख रहे हैं तो ये इसका. और यहाँ पर हमने हैचिंग किया है क्योंकि यह साफ ब्रेकिंग है, इसीलिए ये क्वार्टर का यह यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमें नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इस ऐसा दिखा दिया. ये इसका कटिंग प्लेन का सिंबल है, ये यहाँ से यहाँ तक हम काटेंगे. एंड डार्क रहता है, यहाँ बीच नैल रहता है और इस तरह से यह सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट का असेंबली कंप्लीट हुआ. इसके डायमेंशंस